नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के शासकों की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? बिंदुसार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन ना अवधि के बारे में मैंने बताया, 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक क्या रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहता है, और 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन बिंदुसार का। बिंदुसार के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी होता है कौन होता है? अशोक होता है, जो मौर्य वंश के सबसे महानतम शासकों में माना जाता है। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई, और मौर्य वंश में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक होता है वह सम्राट अशोक होता है। इसे अशोक महान भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर बात की जाए, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और महान शासकों में इसकी गिनती की जाती है। विश्व के, यहाँ तक भारत के ही नहीं, यहाँ तक विश्व के सबसे महान शासकों में इसकी गिनती की जाती है। इससे संबंधित एक इतिहासकार ने कहा है, अगर बात की जाए एचजी वेल्स के बारे में बात की जाए, अशोक से संबंधित स्टेटमेंट यानी कि वक्तव्य इनके द्वारा दिया गया है, और इन्होंने कहा है इतिहास के पन्नों को रंगने वाले राजाओं के नामों के मध्य, यानी कि इतिहास के पन्नों को रंगने वाले राजाओं के, जो राजाओं के मध्य, हजारों राजाओं के मध्य, सॉरी, इतिहास के पन्नों को रंगने वाले हजारों राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान दीप्यमान। नक्षत्र तुम जानते हो, अगर बात की जाए जो ग्रह होते हैं, ग्रह और तारे, इनकी जो चाल होती, ब्रह्मांड के जो नक्षत्र हैं उनके समान हमेशा बोले प्रज्वलित होता रहेगा। ये बात कही गई है किसके द्वारा? एच जी वेल्स के द्वारा। इतिहास के पन्नों को रंगने वाले हजारों राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान दे दीप्यमान। सहस्त्रों का मतलब हो गया हजारों। इसने कहा है कि अगर अशोक की जो महानता के बारे में बात की जाए तो इसकी जो पूरी जो विश्व बिरादरी कायल है, और ये जो प्राचीन भारत ही नहीं प्राचीन विश्व के महानतम शासकों में इसकी गिनती की जाती है। अशोक का जो शासनकाल है, अगर बात की जाए जो प्राचीन भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण शासनकाल कहा जाता है, इसका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और 232 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहता है। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक का, जैसा कि मैंने बताया, अशोक जो सुभद्रांगी का पुत्र होता है, बिंदुसार की पत्नी होती है सुभद्रांगी, जिसे धम्मा और धर्मा भी कहा जाता है, तो उसी से ये पुत्र पैदा होता है। कहते हैं कि उससे दो पुत्र पैदा होते हैं, एक तो अशोक और एक विगता अशोक। उन्हीं में से जो अशोक एक होता है, जो आगे जाकर जो बिंदुसार का क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। अशोक से संबंधित अगर बात की जाए, सम्राट अशोक से संबंधित जो इसके शासनकाल से संबंधित हमें जो अन्य जानकारियां प्राप्त करने के स्रोत है, उन स्रोतों का अगर विभाजन किया जाए तो दो भागों में विभाजन किया जा सकता है। मूलतः एक तो साहित्यिक स्रोत है जिनके माध्यम से हमें अशोक के शासनकाल के संबंधित जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसके अलावा अगर बात की जाए साहित्यिक स्रोतों के अलावा जो अभिलेखीय स्रोत है, लिखित जो अभिलेख पत्रों पर लिखे हुए हमें कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं, उनसे अभिलेख के स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर बात की जाए तो स्तंभ लेख, जिसे कहते हैं जो पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, अभिलेख को कहते हैं इंस्क्रिप्शन, जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो मिलते हैं हमें, यानी जो स्तंभों पे बड़े बड़े पिलरों पे लिखे हुए हैं, जो बड़े बड़े पत्थर के पिलर है, तुम देखो कि सारनाथ का स्तंभ है और है, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे। जो ये पिलर, हमें 7 पिलर प्राप्त होते हैं, यानी कि 7 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, जिसमें अशोक से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। अशोक के शासनकाल से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है, किस तरीके से कौन कौन से अधिकारी होते हैं, इसके अलावा जो उसकी राजनीतिक नीतियाँ क्या होती है, धार्मिक नीतियाँ क्या होती है, उनके बारे में हमें इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात की जाए दूसरा तो रॉक इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, यानी कि जो शिला लेख, यानी शिलाओं पे लिखे हुए, जो बड़े बड़े पत्थरों पे जो बातें लिखी हुई होती है ना, तुम देखोगे
कई जो मूलतः जो 13 से 14 क्षेत्रों में हमें जो बड़े जो दीर्घ शिलालेख प्राप्त होते हैं उन पे अशोक के शासन काल से संबंधित जानकारी प्राप्त, उसकी नीतियों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, उसकी विजयों से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उन्हीं में से ये विषय रहते हैं। दूसरा जो शिलालेख है, शिलालेख को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वृद्ध शिलालेख तुम कह सकते हो उसे, चाहे दीर्घ शिलालेख कह दो या लघु शिलालेख, जो छोटे छोटे पत्रों पर लिखे हुए उसे तो लघु शिलालेख कहेंगे, और जो बड़े पत्रों पर लिखा हुआ है जिसे दीर्घ शिलालेख या वृहद शिलालेख भी तुम कह सकते हो। दीर्घ को तुम वृहद, एक ही बात है, वृहद शिलालेख, वृहद शिलालेख इसे कह सकते हो। उसके अलावा तीसरे जो गुहा लेख है, गुहा लेख यानी जो गुफाओं के अंदर खुदे हुए, जो गुफाओं के अंदर अशोक के द्वारा खुदवाए गए, उससे अशोक के शासन काल से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त। जिस तरीके से हमने कहा कि जब ये अशोक कहाँ का अवंती का जो गवर्नर होता है, इसके द्वारा तो मध्य प्रदेश में जो सीहोर जिला है उसमें पान गौरवरिया की गुफाएं जो बनवाकर आजीविक संप्रदाय के संतों को क्या कर दी जाती है, दान दे दी जाती है। तो इससे संबंधित जानकारी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त। इसके अलावा जो विदेशी स्रोत है, विदेशी यात्रियों के स्रोत है, विदेशी यात्री आए भारत में समय समय के दौरान, उनके द्वारा अशोक के बारे में जो अपने यात्रा वृत्तांत में जो अपना विवरण दिया गया, उससे हमें क्या पता चलता है, अशोक के शासनकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात जाए तो इसमें फाइयान प्रमुख विदेशी यात्री है, और अगर बात की जाए तो तुम्हारे इच्छिंग है, और उसके अलावा बात की जाए तो हैनसंग, ये विदेशी यात्री भारत आए और इनके द्वारा जो अशोक के शासनकाल से संबंधित हमें जो बातें बताई गई। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का जैसे मैंने पहले जिक्र किया, साहित्यिक स्रोत जो लिखित साहित्य हमें प्राप्त होते हैं, सबसे सर्वाधिक जो साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी जो बौद्ध ग्रंथ अपने को प्राप्त होते हैं। अगर बात की जाए अशोक के द्वारा भी जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, उसके अलावा उसके द्वारा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जो उसके पुत्र होते हैं, महेंद्र होते हैं, उसकी पुत्री संघमित्रा, जिनको वो जो देखेंगे हम पढ़ेंगे कि वो उनको जो क्या करता है, जो धर्म प्रचार के लिए भेजता है श्रीलंका, श्रीलंका उसके द्वारा भेजा जाता है, तो धर्म प्रचार इसके द्वारा, तो बौद्ध ग्रंथ है उनसे हमें सर्वाधिक जो अशोक के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। अगर बौद्ध ग्रंथों में बात की जाए तो दीपवंश है, महावंश है, ये बौद्ध ग्रंथ है। उसके अलावा जो दिव्यावदान, जो अन्य ग्रंथ है, दिव्यावदान ने राज तरंगिणी जो कल्लण द्वारा लिखी गई, उससे भी हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आचार्य मंजूश्री मूलकल्प है, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा बात की जाए तो अशोकावदान है, उससे हमें अशोकावदान जो माला है उससे हमें प्राप्त होती है जानकारी। दिव्यावदान है, इन साहित्यिक स्रोतों यानी कि इन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें क्या होती है, अशोक के शासनकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं, अशोक के जो उपनाम है, जो इसकी उपाधियां इसके द्वारा धारण किए, जो हमें अभिलेखों शिलालेखों से माध्यम से प्राप्त चलती है, यानी कि उनसे पता चलता है। बात की जाए देवानाम प्रिय, ये उपाधि अशोक के द्वारा धारण की गई। देवानाम प्रिय का क्या मतलब होता है, यानी देवताओं का सबसे प्रिय, देवताओं का प्रिय जो कौन था, अशोक था, अशोक के द्वारा ये उपाधि धारण की। और उसके अलावा प्रियदर्शी और प्रियदर्शी भी जिसे कहते हैं, ये उपाधि भी धारण की, यानी कि दिखने में जो बहुत सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी कहा जाता है। ये उपाधियाँ उसके द्वारा जो धारण की जाती, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा धारण की जाती है। अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। और अगर बात की जाए उसकी राजनीति, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण, अशोक की गणना जो विश्व के महानतम शासकों में की जाती है, क्योंकि उसके द्वारा जो जैसे राजनीतिक व्यवस्था उसके द्वारा स्थापित की, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियाँ उसके द्वारा हासिल की, राजनीतिक उपलब्धियाँ तुम देखोगे कि उसका साम्राज्य बात की जाए तो साम्राज्य विस्तार खूब किया जाता है। और अगर बात की जाए आध्यात्मिक उपलब्धियों में तो उसके लिए धम्म प्रचार, धम्म की नीति अपनाई जाती है। किसके द्वारा, धम्म विजय की नीति अपनाई जाती है अशोक के द्वारा। उस नीति को लेकर और सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर अशोक की गणना क्या की जाती है, विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। और अशोक के शासनकाल से संबंधित अशोक के उपनाम यानी जो उपाधियां बात की जाए तो दो उपाधियां इसके द्वारा जो धारण की, देवानाम प्रिय यानी कि देवताओं का सबसे प्रिय, और प्रियदर्शी यानी कि जो दिखने में सुंदर हो, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी इसे कह सकते हैं। इसके शासन से संबंधित जानकारी हमें जो दो स्रोतों से प्राप्त होती है, मूलतः तीन भी कह सकते हो क्योंकि इसमें विदेशी यात्रियों का विवरण, एक तो साहित्यिक स्रोत है,
साहित्यिक स्रोत है, इनके माध्यम से हमें पता चलता है अशोक के शासनकाल से संबंधित और अशोक के शासनकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, अभिलेख के स्रोत, अभिलेख यानी जो पत्थरों पर लिखे हुए स्रोत हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिलेख के स्रोत, अभिलेख जिसे कहते हैं, जो इंस्क्रिप्शन भी इसे कहा जाता है, यानी कि इनसे हमें प्राप्त होती है जानकारी। अभिलेखों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, एक तो स्तंभ लेख यानी कि जो पिलर पे लिखे हुए पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ये मूलतः साथ में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो शिला लेख है, रॉक इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखे हुए, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु शिला लेख और दीर्घ शिलालेख कह दो, या आप इसे वृद्ध शिलालेख कह दो। इसके अलावा गुफा लेख यानी जो गुफाओं में खुदे हुए, गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए, उसे क्या कहते हैं, गुफा लेख कहा जाता है। साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत है जो हमें बात की जाए जो बौद्ध ग्रंथ से सर्वाधिक पता चलता है अशोक के शासनकाल से संबंधित, दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान, अशोकावधान माला है, आचार्य मंजूश्री, मूल कल्प, राजतरंगिणी है, इनसे हमें जो अशोक के शासनकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त। उसके अलावा जो विदेशी यात्रियों का विवरण है जिसमें फाहियान है या हेन सिंह है, इत सिंह, ये जो चीनी यात्री हैं, इनके द्वारा जो अशोक के बारे में हमें जो बातें बताई गई अपनी यात्रा वृतांत के दौरान। अब बात करते हैं जो ये अभिलेख अपने को प्राप्त होते हैं, ये सर्वाधिक सबसे पहले किसे पता चलता है और इनको किसके द्वारा सबसे पहले पढ़ा जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए टिफंतलेर जो नाम का जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा जो दिल्ली में स्थित जो अशोक के, अगर बात की जाए अशोक के स्तंभ का पता सर्वाधिक लगाया जाता है और उसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि ये सम्राट अशोक से संबंधित क्या है, स्तंभ लेख है। इसके द्वारा ये बात है जो सबसे पहले बताई जाती है, किसके द्वारा, टिफेंतलेर के द्वारा जो बताई, जैसा कि हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही, जो ये जो टोपरा में स्थित, हरियाणा में स्थित स्तंभ लेख था अशोक का, उसे जो जो कहाँ दिल्ली में स्थापित करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। तो जैसे हम पढ़ेंगे उनके बारे में विस्तृत रूप से, तो सबसे पहले टिफेंतलेर के द्वारा जो दिल्ली में स्थित अशोक स्तंभ का पता लगाया जाता है। उसके अलावा जो इन अशोक स्तंभ के जो अभिलेखों में पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसके द्वारा हासिल की जाती है, ये जीके की अगर देखा जाए प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अशोक के अभिलेखों में पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसके द्वारा हासिल की गई और कब की गई। तो जेम्स प्रिशेप के द्वारा जो 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। हम देखेंगे अशोक के अभिलेख जो मूलतः हमें तीन भाषाओं में मिलते हैं, अगर बात की जाए तो प्राकृत भाषा में मिलता है अपने को लिखे हुए, प्राकृत भाषा है, अरेमाइक भाषा है, इनमें हमें जो क्या होते हैं अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनसे जो इन भाषाओं को अगर बात की जाए तो पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की जाती है वो किसके द्वारा, जो इसके द्वारा, जेम्स प्रिशेप के द्वारा। भाषाओं की बात की जाए, लिपियों की बात की जाए, प्राकृत है, खरोष्टी लिपि है, अरेमाइक लिपि है, इन लिपियों में जो अशोक के अभिलेख हमें लिखे हुए प्राप्त होते हैं जिनसे हमें अशोक के अभिलेखों से ही हमें शासनकाल से समय जानकर। इसके अलावा अन्य अभिलेखों की बात की जाए तो रुद्रदामन जो शक शासक शक क्षत्रप होता है शक जाति का, उसके द्वारा जो अभिलेख लिखवाया गया उसमें भी अशोक का उल्लेख हमें मिलता है। ये जो जूनागढ़ हमने बात की थी जो कहाँ मिलता है, जो गुजरात में स्थित है, जो जूनागढ़ का अभिलेख भी कहते हैं इसे, रुद्रदामन का अभिलेख भी इसे कहा जाता है। इससे जो 150 ईस्वी में लिखाया गया था उसके द्वारा, उसमें भी जो अशोक के द्वारा जो बात की जाए जो झील है, झील के पुनरुद्धार के बारे में बताया गया है तो उससे संबंधित हमें जानकारी प्राप्त मिलती है किस तरीके से अशोक के द्वारा जो झील का पुनरुद्धार करवाया जाता है। उसके अलावा जो नागार्जुन की गुफा है महाराष्ट्र में, उससे भी हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है अशोक के शासनकाल से संबंधित। और जो बात की जाए जिस झील के बारे में मैंने बताया था वो कौन सी थी झील, आपको याद होगी वो, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन सी झील है वो, अशोक के शासनकाल से संबंधित जो बात की जाए तो जिस झील का हम जिक्र कर रहे हैं जो गुजरात में, उसके द्वारा किसके द्वारा, उसके द्वारा जो करवाया गया रुद्रदामन की जो झील है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी झील है वो, मैं बताता हूँ अभी आपको, जो उसका पुनरुद्धार इसके द्वारा करवाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अशोक के शासनकाल से संबंधित जानकारी प्राप्त होने वाले स्रोतों में, उस के तहत हमने बात की रुद्रदामन जूनागढ़, ये मैं उस झील का जिसका बात कर रहे थे हम, जिस झील की, वो कौन सी झील है, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील,
इस झील का जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और उसके पश्चात जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो शक शासक है उसमें भी अशोक के नाम का उल्लेख, अशोक के द्वारा जो इसका क्या करवाया जाता है, पुनः जीर्णोद्धार भी करवाया जाता है, जिससे हम अशोक के शासनकाल से संबंधित जानेंगे। उसके अलावा जो नागार्जुन की गुफा अभिलेख है उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने अगर बात की जाए तो अशोक के शासनकाल से संबंधित जानकारियां प्राप्त होने वाले स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। मूल रूप से जो स्रोत है जिससे हमें पता चलता है अशोक के शासनकाल, मूलतः अशोक का जो पूरा का पूरा इतिहास है उसके द्वारा जो लिखाए गए अभिलेख है उनके माध्यम से इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों पर जो जिस तरीके से उसके द्वारा जो बातें खुदवाई गई उनको आधार मानते हुए जो अशोक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैंने ये दो डेट लिख दी, इसके बारे में विद्यार्थी कन्फ्यूज होंगे कि बोले दो कैसे लिख दिया आपने, तो इसको भी मैं कन्फर्म जो आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें जो इसका अर्थ अगर लिया जाए तो अशोक के संबंधित अगर बात की जाए तो इसमें दो तिथियों का मतलब है, एक तो राज्यारोहण जो तुरंत उसके द्वारा जो बात की जाए सिंहासन पर अधिकार किया जाता है 273 ईस्वी बिंदुसार मूर्ति, लेकिन उसका राज्याभिषेक विधि पूर्वक जो 269 जो बात की जाए 269 ईस्वी पूर्व में होता है, क्योंकि जैसा कि हम बात करेंगे आगे की क्लास में कि अशोक के भाइयों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है बिंदुसार के पुत्रों में, तो 4 वर्षों तक ये लगभग जो उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है, तो इसका राज्याभिषेक कब हो पाता है अशोक का 269 ईस्वी पूर्व में होता है, बिफोर क्राइस्ट में होता है, और सिंहासन पे अधिकार जो इसका 273 ईस्वी में हो जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास में जो अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।